सो एवरीवन दिस अभिषेक एंड वाचिंग द देसी स्मिथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप Redmi Note 9 Pro Max को कैसे कनेक्ट कर सकते हो Apowermirror से। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था Redmi Note 7 Pro के ऊपर कि आप उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी आपको बताऊंगा। पर दोस्तों पिछले वीडियो में जितना रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मुझे मिला है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों आज मैं कनेक्ट करने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro Max को Apowermirror से। पर दोस्तों यहाँ पे पहले आपको बता दूँ, ये बिल्कुल बेगिनिंग से है, इसमें मैंने कोई भी डेवलपर ऑप्शन को इनेबल नहीं करा है। जो भी इनेबल करूंगा, जो भी सेटिंग्स यूज करूंगा, आप लोगों के सामने करूंगा और आप देखना स्क्रीन पे, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो आ जाते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने ओपन करा है पीसी का Apowermirror और फोन के स्क्रीन को भी ऐड कर दिया है। तो फोन में मेरा Apowermirror इंस्टॉल है पहले से ही। अब लगाते हैं हम अपने केबल को जो कि टाइप सी का होता है, तो पहले उसे लगा देते हैं। तो ये देखिए, नो डेटा ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है आपको लगाने के बाद। अब फोन में Apowermirror को ओपन करना है, तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे मिरर का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, वाईफाई से यूएसबी पे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल डेवलपर ऑप्शन ऑन योर फोन और इनेबल यूएसबी डिबगिंग। तो दोस्तों इसे ऑन करने के लिए हमें सेटिंग्स पे जाना होगा। तो आ जाते हैं हम अपने सेटिंग्स पे। और दोस्तों इस फोन में मैंने अभी तक डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करा है, तो अबाउट फोन में जा करके आपको MIUI वर्जन, जैसे मेरा रेडमी का फोन है तो यहाँ पे मुझे 7 टाइम टैप करना है। तो यहाँ पे जैसे ही 7 टाइम टैप हो जाएगा तो यू आर नाउ आर डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे यू आर नाउ आर डेवलपर हो चुका है ऑप्शन शो। तो अब आ जाते हैं सेटिंग्स पे, मेन यहाँ पे सर्च करते हैं डेवलपर। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है हमें डेवलपर ऑप्शन, नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, फिर हमें मिल जाता है यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन। तो इसे करना है हमें ऑन, तो ये 5 सेकेंड लेता है, 5 सेकेंड में ये ऑन हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ तो मेरा पीसी का Apowermirror डायरेक्टली इससे कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे Apowermirror भी खुद से खुला है, मैंने यहाँ ओपन नहीं करा है। यहाँ पे जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आया है, इससे मेरा फ़ोन का स्क्रीन मिरर हो चुका है Apowermirror में। तो अब आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है और उसमें सिर्फ Apowermirror शो हो रहा था, तो उसे मैंने सेट कर दिया है साइड। और अब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, वो मेरे फोन का है जो कि Apowermirror में मिरर हो चुका है। तो आपने खुद देखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोई भी अदर सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करा है, जो सेटिंग्स थी वो फोन की थी, सिर्फ मैंने यूएसबी डिबगिंग ऑन करा और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। कुछ केसेस में ये कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण मैं एक सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ Apowermirror कनेक्शन प्रॉब्लम के ऊपर। तो होप कि आपको वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया Redmi Note 9 Pro को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एकदम बेगिनिंग से। और दोस्तों अगर आपके पास कोई और फ़ोन है, कोई भी कंपनी का है, वो कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो भाई उसके लिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, उस फ़ोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ और जल्द से जल्द सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा, मैंने कोई भी अदर सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करा और मेरा Redmi Note 9 Pro Max Apowermirror से बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गया था। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में मैंने बताया था पिछले बार, तो वो ऑन करके आप Redmi के किसी भी फोन को कनेक्ट कर सकते हो Apowermirror से। तो होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा और आपको इस वीडियो के जरिए थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अदर फोन्स में जिसमें कनेक्शन प्रॉब्लम आता है, किन किन सेटिंग्स को यूज करके, किन किन टिप्स को यूज करके आप अपने फोन को Apowermirror से कनेक्ट कर सकोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात होगी दोस्तों। होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। और ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो या इससे रिलेटेड वीडियोस, तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तो तब तक लिए टाटा बाय बाय।